हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांगी डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। 40 साइज का ये ब्लाउज हम कटिंग करेंगे। अगर आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी सीखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। साड़ी का ये ब्लाउज है तो इसकी देखिए मैं आपको बहुत ही इजी वे में कटिंग बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम अस्तर को यहाँ से फोल्ड करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितने भी आपका ब्लाउज का साइज़ है उतना आप ब्लाउज एक बार कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। ये ब्लाउज देखिए हम बैक ओपन पर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए ये देखिए जगह छोड़ दी है। जितना भी कपड़ा आप हुकाई पट्टी में दबाते हैं उतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अभी हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर 15 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच पर निशान लगाएंगे। जितने भी आपके ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे यहाँ पर 15 इंच है तो इसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर हमें कम ज़्यादा नहीं करने हैं। और आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा यहाँ पर 40 इंच है तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, तो ये हमारा आएगा 10 इंच। और इसमें देखिए हम आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो फिटिंग के लिए यहाँ पर देखिए हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसमें सिलाई मार्जिन रख लेंगे 1.5 इंच। इसके बाद देखिए वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट का भी हमें फोर्थ पार्ट कर लेना है। वेस्ट है यहाँ पर हमारी है 33, तो इसका चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर हम 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम बैक प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। सिलाई मार्जिन आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इंचेस भी ले सकते हो। इसके बाद देखिए आर्म होल में यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पर आर्म होल में गोलाई कर देंगे। इसके बाद देखिए हाफ इंच जितना शोल्डर को डाउन करेंगे। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें, आप शोल्डर को जरूर से डाउन करें। तो इस तरीके से देखिए आप ब्लाउज़ की कटिंग करते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है, अभी इसको यहाँ से कट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को देखिए हम ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से देखिए कपड़े की बंद वाली साइड है और यहाँ पर देखिए हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ है इसको हम हाफ इंच बढ़ाएंगे। तो हाफ इंच पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है और इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रख लेना है। जो हुकाई पट्टी के लिए लाइन छोड़ी है हमने इसको बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से रख लेना है। ऊपर से देखिए इसको हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे और आर्म होल तरफ से भी एक बार इसको हम एज इट इज ही ड्रॉ कर लेंगे। गहराई इसमें हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट में जो चेंज करने हैं वो देखिए आर्म होल की तरफ से इसको 1 इंच बढ़ाना है और नीचे से इसको टक्स के लिए हमें 2.25 इंच यानी 2.25 इंच इसको बढ़ाना है यहाँ से। और मैंने यहाँ पर देखिए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अभी बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और जो हमने ये मार्किंग की है इसको यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम शोल्डर एंड आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट में एक बार फिर से निशान लगा लेंगे। जो हमने बैक में निशान लगाए थे सेम वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें हम 0.25 इंच की गहराई करेंगे, 0.75 इंच। और यहाँ पर अभी फ्रेंच कर्व की हेल्प से देखिए इसमें ये निशान बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान रहे बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आर्म होल में 0.25 इंच की गहराई करें। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इसका मेजरमेंट फिर अलग रहेगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो नीचे की तरफ देखिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद देखिए बस्ट पॉइंट के लिए हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक निशान 4 इंच पर लगाएंगे। चेस्ट का हमें फोर्थ पार्ट यहाँ पर लेना है, और इन निशान्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर देखिए बस्ट पॉइंट का मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 2.25 इंच की टक्स लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाया है, और टक्स हाइट यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे, 2 इंच पर निशान लगाया है मैंने। और यहाँ से देखिए हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए देखिए गाइस बहुत ही आसान है ये, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ये शेप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो। और आर्म होल तरफ से मैंने 20 सेंटर में निशान लगाया है, और इसको भी देखिए इस तरीके से हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे। और यहाँ से देखिए साइड से इसको हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको हम ऐसे तिरछा मिलाएंगे, तो इससे जो हमारी ब्लाउज की फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आएगी। फ्रंट और बैक हमारे एकदम बराबर से आएंगे, और आर्म होल में यहाँ पर जो सलवटें आती है, जो फुग्गा बनता है, उसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट में भी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नेक विड्थ हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें बोट नेक बना रहे हैं, और नेक लेंथ यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। नेक लेंथ आप चाहो तो यहाँ पर कम भी कर सकते हो, 3 इंच या फिर 3.5 इंच भी रख सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और फिर यहाँ पर हमें नेक का शेप दे देना है, मैंने सिंपली यहाँ पर राउंड नेक ही ड्रॉ कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। इन निशान्स को यहाँ से देखिए हम कट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड इसे शेयर ज़रूर से करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अभी हम बैक में जो डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम नेक विड्थ के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और नेक लेंथ के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे देखिए इस तरीके से, और इसमें भी देखिए गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस लाइन के नीचे हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जितना भी आप टोटल नेक डीप रखना चाहते हो उसके लिए निशान लगा लेना है, तो मैं यहाँ पे 13 इंच डीप रखूँगी। इसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए कम ज़्यादा कर सकते हो। और देखिए नीचे से हमें यहाँ पर एक निशान 2 इंच पर लगाना है, ये देखिए। ऊपर से देखिए मैंने इसको 4 इंच पर रखा है इसकी चौड़ाई, और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। और यहाँ पर देखिए हम इस फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे और ऐसे शेप दे देंगे। देखिए बहुत ही इजी है, देखिए इस तरीके से आप डिज़ाइन की मार्किंग इजीली कर सकते हो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी। ये देखिए तो नेक की हमारे यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है, अभी इस नेक को यहाँ से कट करेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ से कट कर लिया है, इसको ओपन करने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी सीखना चाहते हो तो मेरा ऑलरेडी प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जहाँ से आप बहुत ही इजी वे में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को स्टिच करना सीख सकते हो। मैंने उसके नेक में डोरी वाली पाइपिंग लगाना भी आपको बताया हुआ है बहुत ही इजी तरीके से, तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो ज़रूर से देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़।